दोस्तों, बाय एनी मीन्स अगर आपने आपके आईफोन में यस आईओएस 26 इंस्टॉल किया है एंड फॉर सम रीजन यू आर नॉट हैप्पी विद दी लिक्विड ग्लास डिजाइन और इफेक्ट इन योर आईफोन, सो एंड आपको अगर रिवर्ट करना है आईओएस 18 पे जो कि स्टैंडर्ड डिजाइन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आई वुड सजेस्ट आप रिवर्ट मत कीजिए. इंस्टेड यू कैन यूज अनदर ऑप्शन इन द सेटिंग्स ऑफ योर आईफोन टू स्विच ऑफ दिस लिक्विड ग्लास डिजाइन इफेक्ट. कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको आपके आईफोन के सेटिंग्स में जाना है एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है. एक्सेसिबिलिटी में आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पे क्लिक करना है एंड वहां पे आपको रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी का जो टैब है उसको ऑन करना है. तो वो क्या करेगा, आपका जो आईफोन का जो लिक्विड ग्लास डिजाइन इफेक्ट है उसको वो रिड्यूस करेगा. इट विल मिनिमाइजेस द लिक्विड ग्लास डिजाइन इफेक्ट एंड जो भी आपके फोल्डर्स रहेंगे या फिर बैकग्राउंड लिक्विड ग्लास इफेक्ट रहेगा उसको वो फेड करेगा एंड डेफिनेटली इट विल सेव मच मोर बैटरी. सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक मिनिमाइज और स्विच ऑफ द लिक्विड ग्लास डिजाइन इफेक्ट इन आईओएस 26 इफ यू हैव एक्सीडेंटली इंस्टॉल्ड आईओएस 26 इन योर आईफोन.